नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डे 18 की, मतलब 18वें दिन हम किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि डे 17 आपको कल काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला था, प्रॉब्लम थी, इसी वजह से आपको बता दूँ कि पहले वो वीडियो जा करके आप चेक कर लीजिएगा। डे 17 में ब्लड रिलेशन का जो इंट्रोडक्शन था ना, वो चीज़ मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट टू की। दोस्तों थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने बोला था कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका रक्त संबंध और दूसरा होता है मानवीय संबंध। रक्त संबंध कौन सा होता है? जो हमारे पूर्वजों की देन होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, अर्थात हमारे पूर्वजों द्वारा नई पीढ़ी को स्थापित करने हेतु बनाए गए सौहार्दपूर्ण, मतलब प्रेमपूर्ण संबंध ही क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध कहलाते हैं। वो जैसे मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल से वो ब्लड रिलेशन होता है। दूसरे होते हैं जैसे मानवता के संबंध, मानवीय संबंध, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे इस सोसाइटी में रहते हुए हमारे स्वयं के द्वारा जो रिलेशन बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है मानवीय संबंध। तो दोस्तों इसमें जैसे कि दोस्ती, टीचर एंड स्टूडेंट, ये सारी बातें अपन कर रहे थे। मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में भी बताया था कि कितने प्रकार का होता है। लास्ट अपना जो पॉइंट था कि जो रक्त संबंध होता है वो कितने प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप मैंने बोला था कि पहला होता है ग्रुप बेस ब्लड रिलेशन, ग्रुप बेस, ठीक है। सेकेंड जो था आपका वो था कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और थर्ड जो आपका पॉइंट चलेगा वो चलेगा अपने पिक्चर बेस ब्लड रिलेशन, पिक्चर बेस। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों टाइप की अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन फर्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा है। फर्स्ट टाइप यहाँ पे लेके चलते हैं कि ग्रुप बेस ब्लड रिलेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन, रक्त संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जो आपको पता होना जरूरी है। आप अपने नोटबुक में जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ हेडिंग डाल लीजिए, रक्त संबंध में काम आने वाले महत्वपूर्ण शब्द, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ब्लड रिलेशन। यहाँ पे रक्त संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि काम में आती है। आपको कई बार क्वेश्चन बनाना तो आता है लेकिन उसका जवाब देना हमें नहीं आता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई भी क्वेश्चन देता है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप में मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, उसमें से जो आप डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैंने आपको जो बताया था थोड़ा सा मैं आपको जैसे रिवाइज करा दूँ कि यहाँ पे जो डब्बा होगा वो मेल माना जाएगा और यहाँ पे जो फीमेल है उसे गोला माना जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर अगर सिंगल लाइन का संबंध होगा तो वो ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन होंगे। अगर इसके अंदर डबल लाइन का संबंध होगा तो वो पति पत्नी होंगे। अगर ये लाइन नीचे की तरफ आएगी तो ये नेक्स्ट जनरेशन को शो करेगी, जैसे बेटा बेटी, उसके नेक्स्ट चलेगी तो पोता पोती। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये प्रीवियस जनरेशन को शो करेगी, जैसे कि आपके मम्मी पापा, इससे ऊपर जाएगा तो ये आपके दादा और दादी, मतलब जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा पांच पीढ़ियों के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। ये बुक्स में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से लेकर के चलिएगा। अब दोस्तों बात करता हूँ कि क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप साथ में लेकर के चलिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया आपको, ये क्वेश्चन है आपका ए और बी आपस में भाई बहन है। पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपस में भाई बहन है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई भाई के भी होता है और बहन के भी होता है, और एक बहन के भी होती है और भाई के भी होती है, ए और बी आपस में भाई बहन है। फिर आपको बोला कि यहाँ पे बी के पुत्र, ये बेसिक है जो कि मैं हमेशा करवाता हूँ, बी के पुत्र सी, ध्यान दीजिएगा, बी के पुत्र सी के, बी के पुत्र सी के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र की माता, ध्यान दीजिएगा, की माता का नाम एस है। ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि ए और बी आपस में भाई बहन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपस में भाई बहन है, ये क्लियर नहीं किया गया कि भाई कौन और बहन कौन है। फिर बी के पुत्र सी के इकलौते पुत्र की, बी के पुत्र सी के इकलौते पुत्र की माता का नाम एस है। यहाँ पे आपको डायग्राम फ्रेम करना है, जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बना के चलना है। तो आपको करना कैसे, देखिएगा, आप पहले जो प्लस माइनस से करते थे उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आपको बेसिक से बता रहा हूँ। पहली लाइन पर ध्यान दीजिए, ए और बी आपस
में भाई बहन है, मैंने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी। अगर दोनों भाई बहन है तो मैंने सिंगल लाइन बनाया, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला आपको इसको भाई बता दिया और इसको बहन बता दिया, तो आप इस पे डब्बा कर दोगे और इस पे गोला कर दोगे। दोस्तों यहीं पे गलती होती है आपकी, आपको अभी तक पता नहीं है कि भाई कौन और बहन कौन है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि भाई एक भाई के भी होता है और बहन के भी होता है, एक बहन के भी होती है और भाई के भी होती है, तो आपको अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर भाई और बहन कौन है। उसके बाद में आपको बोला कि बी के पुत्र सी, बी के पुत्र सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुत्र तो माता है पिता किसी के भी हो सकता है ना, तो यहां मैंने दिया कि बी के पुत्र सी, फिर उसको बोला बी के पुत्र सी के इकलौते पुत्र, कि इकलौते पुत्र, यहाँ पे इसके इकलौते पुत्र का कुछ भी नाम नहीं दिया है, इकलौता पुत्र कोई भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि इकलौते पुत्र दिख रहा है ना आपको यहां तक, देखिए इकलौते पुत्र की माता का नाम एस है, कि माता का नाम एस है, तो ये मैं मेरे यहाँ पे जिसका पूछा जा रहा है, मैं मेरे पापा और पापा की जो वाइफ है वो कौन हो गई, माता, इसका नाम क्या है एस, ध्यान दीजिएगा कि माता का नाम क्या है एस है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, ये मेरा डायग्राम बन गया। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछे कि एस का बी से क्या संबंध है, एस का ए से क्या संबंध है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी तक भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला है कि यहाँ पर बी है वो मेल है या फीमेल है, और अभी तक मुझे यहाँ पर भी पता नहीं चला है कि ए मेल है या फीमेल है, अभी इनका भाई और बहन का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आपसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन हो गया एस हाउ रिलेटेड, एस हाउ रिलेटेड टू बी, मतलब एस का बी से क्या संबंध है, एस का बी से क्या संबंध है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप कई लोग तो जवाब देंगे, जैसे आपको ऑप्शन देगा पहले ससुर और पुत्र वधु, फिर ऑप्शन आएगा आपका सास, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका पुत्र वधु, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका पुत्र वधु और सास, कोई लोग सास करेंगे कोई लोग पुत्र वधु करेंगे, अलग अलग जवाब चलेगा। लेकिन पहले हम इतने अलग अलग जवाब दे क्यों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, रिलेशन किसका पूछना चाहता है। आखिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो व्यक्तियों के मध्य में जब भी का आता है, दो व्यक्तियों के मिड में जब भी का आता है तो हमें किसका रिलेशन पता होना चाहिए, हमें हमेशा फर्स्ट पर्सन का रिलेशन पता ज्ञात करना होता है। मतलब यहाँ पे मैंने से पूछा एस का बी से क्या संबंध है, एस का बी से पूछा है दो व्यक्तियों के मध्य में का आ रहा है तो हम किसका संबंध ज्ञात करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन का संबंध ज्ञात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें, ये जितने भी जो रिलेशंस होंगे, जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने नोट्स में जा कर के, आप पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जिन जिन के पास नोट्स हैं पेज नंबर 46 में जाकर के आप देखेंगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे रूल्स हैं। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा, जो जिन्होंने नोट्स परचेज कर रखे हैं डीपली आप जाकर के उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग का बेसिक होगा। आपको बता रखा है जिनके पास अभी भी नोट्स नहीं है, आप 7733943243 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 99 रुपीज़ में आप चाहे तो इन्हें परचेज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, फुली वर्बल रीजनिंग इसमें अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको पूछा किसका है, एस का पूछा है, तो आपको किसका संबंध ज्ञात करना है, फर्स्ट पर्सन का। देखिए पहले बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी है, तो आपको बी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे बी का नहीं बताना, मैं जिसका संबंध पूछा जाता है वहाँ पे आप स्वयं को रख लीजिए। देखिए टाइम लगेगा लेकिन मैं हर चीज़ आपको बेसिक से करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूछेगा मैं मेरे पति, यहाँ किसी के बोलने से आप किसी की वाइफ नहीं बन जाओगे, अगर आप लड़के भी हो हमेशा खुद को मान करके चलिएगा। यहाँ पे मैं मेरे पति की माता है या पति के जो पिता हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल का कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं तो इनकी पुत्र वधु हूँ ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो एस है एस को खुद मान करके चलिएगा, मैं मेरे पति की माता या पिता नहीं पता, ये सास ससुर कोई भी एक है, लेकिन ये तो एस तो इसकी पुत्र वधु है ना, तो आपसे पूछा किसका है, एस का बी से क्या संबंध है, तो एस है वो इसकी बी की क्या है, पुत्र वधु, ध्यान रखना पुत्र वधु आपका ये जवाब आएगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाता बी का
एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं था। मैं मेरा बेटा और मेरे बेटे की जो बहू है, मेरी पुत्र वधु, तो यहाँ पे ये सास भी हो सकता और ससुर भी हो सकता, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि सर इसको निर्धारित किया किसी कंडीशन में भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ और इसमें सारा का सारा आपको पता लग जाएगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ए और बी आपस में भाई बहन है, ए और बी आपस में भाई बहन है, बी के पुत्र सी, यहाँ पे आपको दिया बी के पुत्र सी की पत्नी डी की इकलौती संतान, देखिएगा थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, इकलौती संतान एम की दादी का नाम, की दादी का नाम आर है। ये आपसे डायग्राम बनाने को कहा, इसके बाद में से क्वेश्चन पूछा, तो बताइए यहाँ पे आपसे पूछेगा ए का आर से क्या संबंध है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ए और बी आपस में भाई बहन है, बी के पुत्र सी की पत्नी डी की इकलौती संतान एम की दादी का नाम आर है, तो बताइए ए का आर से क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिएगा इसको मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसको सोल्व कर रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लेकर के चलना है। देखिए आपको बोला क्या है कि ए और बी आपस में भाई बहन है, ए और बी आपस में भाई बहन, अभी तक किसी का भी पता नहीं कि भाई कौन है और बहन कौन है। फिर आपको बोला कि बी के पुत्र सी, ध्यान दीजिएगा बी के पुत्र सी, फिर क्या बोला बी के पुत्र सी की पत्नी डी, ये इसकी पत्नी हो गई, कि इकलौती संतान, इकलौती संतान का नाम क्या दिया है एम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इकलौती संतान बोलता है तो संतान लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इकलौता पुत्र बोलता है तो पुत्र एक ही है, पुत्री है कितनी भी हो सकती है। अगर आपको इकलौती पुत्री बोला जाता है तो पुत्री एक है, पुत्र कितने भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इकलौती संतान बोला तो ये लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, तो आपको बोला क्या इकलौती संतान एम की दादी का नाम आर है। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि दादी कौन होती है, आपके पापा की जो मदर होती है वो दादी, और जो मम्मी की जो मदर है वो नानी होती है। तो यहाँ पे एम की दादी, तो यहाँ एम पे आप स्वयं को मानिए, खुद को मान करके चलिए, मैं, मेरी मम्मी के हस्बैंड, मेरे पापा, अगर ये मेरे पापा के पापा, अगर पापा के पापा हैं या मम्मी है मुझे नहीं पता, अगर ये पापा की मम्मी होती, मतलब मेरी दादी होती, यहाँ पे एम की दादी होती, तो दादी का नाम तो क्या था, एम की दादी का नाम था आर, लेकिन यहाँ पे तो ये आर तो है नहीं, और मैं इतना बड़ा हुआ नहीं कि दादी का नामकरण कर दूँ, नहीं तो पापा आपका नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली पीढ़ी में मैंने जैसे कि आपको जो रिलेशन टेबल बताई थी उसमें बताया था कि ऊपर वाली पीढ़ी में या तो दादा हो सकते हैं या नाना हो सकते हैं, तो पापा के पापा तो दादा हो सकते हैं, लेकिन दादा और दादी में से कुछ कन्फर्म नहीं था क्योंकि दादी का नाम तो आर था, तो ये दादी तो नहीं हो सकती, तो दादी नहीं है तो ये फिर क्या होगा दादा, और दादा की वाइफ क्या होती है दोस्तों, दादा की वाइफ ही आपकी दादी होती है। तो आपसे पूछा था कि एम की दादी का नाम आर है, अब ये होने से अगर ये दादी है, ये दादा है, तो कंफर्म हो गया कि ये मेल है, अगर ये भाई हो गया तो ये बहन हो गई, अपने आप ही क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया इसको दो बार देखना, एक बार रिवाइज करके, थोड़ा सा टफ लेवल है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर अब आपका रिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया, तो आपसे कि ए का आर से क्या संबंध है, ए का आर से क्या संबंध है, तो दो व्यक्तियों के मध्य में का आया ना, ध्यान दीजिएगा जब का आता है तो हम का के जो पहले वाला व्यक्ति होता है उसका रिलेशन बताते हैं, तो हमें रिलेशन किसका बताना है, ए का, ए का किससे बताना है, आर से। तो यहां पे चलिए, यहां पे ए पे स्वयं को मानिए, मैं, यहां पे लड़का है या लड़की, लड़की है, तो मैं, मेरा भाई, मेरे भाई की जो वाइफ है वो कौन होगी, मेरी भाभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कि भाभी और ननद, फिर ऑप्शन बनेगा ननद और भाभी, फिर ऑप्शन मिलेगा आपको भाभी, और डी ऑप्शन मिलेगा आपको ननद, तो आपका जवाब होगा ननद, जिसे सिस्टर इन लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो ए का आर से क्या संबंध है, ए आर की ननद है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। इसका जवाब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, हो जाएगा ननद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये,
इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इसने ए का आर से पूछा, आपको और कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, जैसे कि बोला क्या गया है यहाँ पे, आपको ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर देखिएगा, आपको पूछे कि डी से बी किस प्रकार से संबंधित है। देखिएगा डी से बी किस प्रकार से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में अवेलेबल करा रखी है, जो कि आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपका फर्ज है इसे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं तो भी आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर इन्हीं नंबर पर। यहाँ पर अगर दो व्यक्तियों के मध्य में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो व्यक्तियों के मध्य में अगर से वर्ड यूज आता है तो हम सेकंड पर्सन का संबंध ज्ञात करते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, अगर दो व्यक्तियों के मध्य में से आता है तो हम सेकंड पर्सन का संबंध ज्ञात करते हैं। हमें संबंध किसका बताना है, रिलेशन किसका बताना है, हमें बी का बताना है। तो यहाँ पे किसका, बी का बताना है। डी से बी किस प्रकार से संबंधित है, तो हमें इसका बताना है। यहाँ स्वयं को मान लीजिए, तो मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे की जो पुत्र, जो बहू है वो मेरी पुत्र वधू, तो बी कौन हो गया। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, तो बी कौन हो गया, ससुर हो गया। ये सारे बता रहा हूँ, अगर दो व्यक्तियों के मध्य में से आता है तो हम सेकंड पर्सन का संबंध ज्ञात करते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिएगा डी बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस दो लोगों के बाद में से आया है। अगर कंटिन्यूअस दो लोगों के बाद में से आता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम में ये पूछेगा डी हाउ रिलेटेड टू बी, क्लियरली बोलेगा। यहाँ पे कंटिन्यूस दो लोगों के बाद में से आता है तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन का संबंध ज्ञात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता डी बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पे आप संबंध किसका बताते, हम संबंध बताते यहाँ पे फर्स्ट वाले व्यक्ति का। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले व्यक्ति कौन होता, डी। तो यहाँ पे मैं, मेरे पति के जो पिता है, मेरे ससुर, और ये कौन हो जाती, पुत्रवधु। देखिए दिखने में क्वेश्चन एक जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये से का अंतर है, से यहाँ पे लग गया और से यहाँ पे बीच में लग गया, तो इस से का जरूर ध्यान रखिएगा। एक और चीज आती है इसके अंदर, बाकी जो नोट्स हैं उनमें आप पढ़ते जाइएगा, अगर यही चीज अगर ये बीच में आ जाती, जैसे डी और बी किस प्रकार से संबंधित है, डी और बी आपस में किस प्रकार से संबंधित है, दोस्तों बीच में आया और, जब भी किसी के बीच में और या वह आता है तो हम दोनों व्यक्तियों का सीक्वेंस वाइज संबंध ज्ञात करते हैं। अर्थात हम दो व्यक्तियों का संबंध तभी बताते हैं जब बीच में और या वह आता है। तो यहाँ पे और या वह बीच में आया है, तो हम डी और बी, तो सिक्वेंस वाइज पहले किसका बताना है, डी का, और फिर बताना है बी का। इसका जवाब होगा पुत्र वधू, पुत्र वधू और ससुर। अब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है पुत्रवधू और ससुर नहीं मिले, आपको ऑप्शन में मिले ससुर और पुत्रवधू, तो आप क्या करते हो, घर की बात है बेचारा लिखना भूल गया होगा और उसको टिक कर देते, लेकिन वो गलत हो जाएगा और आपका यहाँ पे जवाब होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे पूछा है किसका पहले, डी का पूछा है, डी और बी का आपस में किस प्रकार से संबंध है, तो डी पुत्रवधू और बी ससुर है, तो यहाँ पुत्रवधू और ससुर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आपको ये रिलेशंस पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को फ्रेम करना होता है। एक और चीज़ आती है आगे बढ़ने से पहले, ये तो आपको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए होता है, एक और होता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो और जो की यूज में आता है, और एक आता है किंतु परंतु। जब भी दो व्यक्तियों के बाद में जो और जो की आता है ना, वो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चन देता है, ए बी की इकलौती संतान है, ए बी की इकलौती संतान है, ध्यान दीजिएगा ए बी की इकलौती संतान है, जो कि सी का पति है, ध्यान दीजिएगा ए बी की इकलौती संतान है, जो कि, अब ये जो कि आया है तो हम ये बार बार आपको परेशान करता होगा, इसीलिए मैंने पहले ब्लड रिलेशन लिया है कि आपकी ये दिक्कत दूर हो सके। तो यहाँ पे जो कि आया है तो ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, मतलब इसके बाई तरफ से जो भी पास में आता है ना, ये जो कि हमेशा उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका डायग्राम बनाऊंगा, ए बी की इकलौती संतान है, तो संतान तो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है, किसकी संतान है, बी की, अभी बी का भी नहीं पता कि माता या पिता क्या है। ए बी की इकलौती संतान, जो कि किसके लिए है दोस्तों, बी के लिए, जो कि सी का पति है, तो पति तो हमेशा मेल होता है, और अगर पति है तो सी कौन है, पत्नी है, तो ये किसके लिए आया था, सेकंड पर्सन के लिए। तो हम इस तरीके से इसको फ्रेम करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा, बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी बताइए कैसा लग रहा है। आगे चलिए, अब अपन नेक्स्ट चीज चलते हैं। ये जो कि होने के बाद में हमारी एक और चीज आती है, देखिएगा वो क्या होती है, उसे भी मैं बता रहा हूं आपको। ए बी की इकलौती संतान है किंतु,
किंतु या परंतु कुछ भी आ जाता है, किंतु वह उसका पुत्र नहीं है, किंतु वह उसका पुत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बी की इकलौती संतान है किंतु वह उसका पुत्र नहीं है। तो यहाँ पे किंतु और परंतु जब भी आता है, आपको पता है रिश्तों में जब भी किंतु परंतु होता है तो हम हमेशा करते क्या है, हमेशा रिश्तों में दूरियां ही बढ़ती है। तो हमेशा किंतु परंतु आता है तो हम हमेशा दूर वाले व्यक्ति का संबंध ज्ञात करते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन का संबंध ज्ञात करते हैं। जब भी लगातार दो व्यक्तियों के बाद में किंतु परंतु आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला ए बी की इकलौती संतान है, संतान अभी तक मुझे नहीं पता, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है, किसकी संतान है, बी की, अभी तक मुझे ये नहीं पता कि बी माता है या पिता है, किंतु किंतु किसके लिए आया, एक के लिए, किंतु वह उसका पुत्र नहीं है, वह उसका पुत्र नहीं है। तो संतान तो पुत्र या पुत्री दो ही होती है, अगर पुत्र नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पुत्री। तो ए का बी से क्या संबंध है, इज हाउ रिलेटेड टू बी, देन आप कह सकते हो कि आपको ए का बी से क्या संबंध है, ए ये डॉटर है बी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे ब्लड रिलेशन को लेकर के, रक्त संबंध को लेकर के। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को आपको समझना, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसे आपको देखना है कि आपको बोल रहा है कि मीरा, मीरा है वो पंकज की पुत्री है, मीरा पंकज की पुत्री है, पॉइंट टू पॉइंट लिखती जाइएगा, मीरा पंकज की पुत्री है, रीना पंकज की बहन है, रीना पंकज की बहन है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट देखिए, रीना की पुत्री का नाम दिया है, रीना की पुत्री का नाम दिया या दिव्या, आप जो भी चाहें समझ सकते हो, ठीक है। रीना की पुत्री का नाम दिया है एवं रीना का पुत्र राम है, एवं पुत्र का नाम राम है, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद में देखिए, टीना दिव्या की मैटरनल आंट है, टीना है वो दिया या दिव्या, दिव्या की मैटरनल आंट है, मैटरनल आंट का मतलब समझते हो आप, मौसी हो सकती है या फिर मामी हो सकती है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में हम साइड में जा करके इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि इसके बारे में बोला क्या गया है, हम इस तरीके के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, आपको बोला कि मीरा पंकज की पुत्री है। देखिए यहाँ पर मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ, मीरा है वो यहाँ पर किसकी पुत्री है, पंकज की, मीरा पंकज की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, मीरा पंकज की पुत्री है, यहाँ पे ये हो चुका आपका। फिर देखिए, रीना पंकज की बहन है, अब देखिए रीना है वो किसकी बहन है, पंकज की बहन है, ये हो गई रीना। साथ ही साथ देखते चलिएगा, रीना की पुत्री का नाम दिव्या है, यहाँ समझिए रीना की पुत्री का नाम दिव्या या दिया है, ये भी हो गया। उसके बाद एवं पुत्र का नाम राम है, पुत्र का नाम क्या है, राम है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लेते चल रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये भी क्लियर हो चुका है। फिर देखिए, टीना दिव्या की मैटरनल आंट है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दिव्या कौन है, ये रही, इसकी मैटरनल आंट कौन हो सकती है, मैंने बोला मैटरनल आंट मौसी भी हो सकती है और यहाँ पे मामी भी हो सकती है। यहाँ पे अभी तक मासी या मामी की कोई बात नहीं की, लेकिन यह मामा अवेलेबल है तो मैं हो सकता है कि यहाँ पर ले सकता हूँ। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए जो टीना है वो दिव्या की मैटरनल आंट है, तो यहाँ पे दिव्या को देखिए, मैं मेरी मम्मी की अगर बहन होती तो मौसी होती, मैटरनल आंट मामी भी हो सकती है, तो यहाँ पे मामा है तो हम पहले मामी को ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पंकज की जो वाइफ होगी, पंकज की जो वाइफ होगी वो कौन होगी, टीना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टीना है वो दिव्या की मैटरनल आंट अर्थात मामी है, तो यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी के भाई, मेरे मामा और मेरे मामा की जो वाइफ है वो यहाँ पे टीना है। आपसे पूछा है, कोई भी क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछ सकता है, आपको बोले कि बताइए मीरा हाउ रिलेटेड टू राम, मीरा का राम से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा, मीरा का राम से क्या संबंध है, तो दो व्यक्तियों के मध्य में आ क्या रहा है, मीरा का राम से क्या संबंध है।
अब यहाँ मैंने बोला था कि दोनों के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, का। तो यहाँ पे का आता है तो हम किसका संबंध ज्ञात करते हैं, फर्स्ट पर्सन का। तो मीरा का पूछा है तो मैं, मेरे पापा की जो बहन है मेरी बुआ, और मेरी बुआ का लड़का मेरा फुफेरा भाई, मतलब कजन ब्रदर। तो यहाँ पे मेरा फुफेरा कुछ भी, उनको कजन ब्रदर एंड सिस्टर ही बोला जाता है। लेकिन अगर हिंदी में मैं बात करता हूँ तो मीरा राम की मेरी बहन है, मतलब मामा की लड़की है। तो मीरा का राम से क्या संबंध हुआ, मीरा का राम से मीरा राम की मेरी बहन है। अगर मैं राम का मीरा से पूछता तो राम मीरा का फुफेरा भाई होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही होगी। इस टाइप की जो फर्स्ट टाइप है हमारा ग्रुप बेस्ड ब्लड रिलेशन, इसमें इसी टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दी से करना है। कैसा लग रहा है ये लाइक और कमेंट करके बताते रहिए आपको, क्योंकि आपका यही चीज है जो कि मुझे सपोर्ट करेगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डी ए का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा डी है वो ए का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, डी ए का पुत्र है, सी पी की माँ है। ये सारे नोट्स में अवेलेबल है, सी पी की माँ है, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला है एवं डी की पत्नी है, एवं डी की पत्नी है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बताइए ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। आपको देखिए इसका डायग्राम बनाना है, डी ए का पुत्र है, डी है वो किसका पुत्र है दोस्तों, ए का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा डी ए का पुत्र है, अभी तक ए का मुझे नहीं पता कि माता पिता कोई भी हो सकता है। उसके बाद में सी पी की माँ है, सी है पी की माँ है, लेकिन अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते इसको कहाँ दिया है। एवं डी की पत्नी है, सी है वो पी की तो माँ तो है लेकिन डी की पत्नी है, ये एवं आया है आपका। अब वो किसके लिए आया है, वो आपको सी पी की माँ है वो इसके लिए आया है, सी पी की माँ है एवं डी की पत्नी है। तो ये इसकी पत्नी है एवं माँ किसकी है, पी की। मुझे अभी तक पी का कुछ भी क्लियर नहीं है कि पी मेल है या फीमेल है, यहाँ भी मुझे इसका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अब आपसे पूछे ए का सी से क्या संबंध है, आपसे पूछा ए का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे की जो यहाँ पे बहू है, मतलब पुत्र वधू है, लेकिन ए का क्या संबंध हुआ, ए सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकता है, ठीक है। तो डी ए का पुत्र है, यहाँ पे मुझे ए का कुछ भी पता नहीं था, तो यहाँ पे या तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता या फिर आपका जवाब होगा सास या ससुर में से एक होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आपको कैसा लग रहा है आप बताते जाइएगा, जल्दी से देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको इसे सॉल्व आउट करना है। ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, पी क्यू का ब्रदर है, पी क्यू का ब्रदर है। सेकंड पॉइंट, पॉइंट सेकंड को ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बोल रहा है एन क्यू की सिस्टर है, एन क्यू की सिस्टर है। थर्ड पॉइंट आपका, पी टी का ब्रदर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, हाउ टू रिलेटेड क्यू फ्रॉम पी, मतलब क्यू है क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू से पी का, क्यू का पी से क्या संबंध है। यह आपको क्वेश्चन फ्रेम करके मुझे इसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करना है, आपको मुझे इसका आंसर देना है किसकी जगह पर क्या आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, यह आपका एच डब्ल्यू होगा, होमवर्क है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जल्दी बताइए हो गया ये नोट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको, आपको बोला है एम एन का फादर है, यहाँ पे एम है वो एन का फादर है, ठीक है। उसके बाद में आपको बोल रहा है एल एम का ब्रदर है, उसके बाद आपको बोल रहा है पी एल की मदर है, उसके बाद एन का पी से क्या संबंध है, आपसे पूछ रहा है एन का पी से क्या संबंध है।
ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, आपको फिर बताना है, इसके आंसर बताने हैं, जल्दी से कीजिए इसको। और ये कैसा लग रहा है आपको, जल्दी से बताते जाइएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। इनके आंसर्स आपको करने हैं साथ के साथ मिल करके, फिर अपन नेक्स्ट टाइम पे भी इस पर चलेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, देखिएगा, एक क्वेश्चन अब मैं आपको करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करके चलना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं सारी की सारी करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला है कि प्रिया, यहाँ पर देखिए, प्रिया का अनुस नाम का पुत्र है, ठीक है, प्रिया का अनुस नाम का एक पुत्र है। फिर यहाँ पे आपको बोला है कि राम प्रिया का भाई है, राम प्रिया का भाई है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आपको बोला कि जो नीतू है, नीतू के रिया नाम की पुत्री है, रितु के रिया नाम की पुत्री है, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। फिर आपको बोला है कि जो नीतू है वो राम की बहन है, नीतू राम की बहन है, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद में आपसे पूछा है कि बताइए अनुज का रिया से क्या संबंध है, आपसे पूछ रहा है कि अनुज का रिया से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, आपको जैसे जैसे दिया है आप उसका डायग्राम फ्रेम कर सकते हैं। सारे रिश्ते आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, ये सारा का सारा इतने डेप्थ में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा सा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर कंटिन्यू अपने एक सीरीज को चलने दीजिए, तो यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं अपन। प्रिया का अनुस नाम का पुत्र है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रिया हो गई यहाँ पे, प्रिया का यहाँ पे अनुस नाम का पुत्र है, यहाँ पे ये अनुस हो गया, ये हो चुका। फिर राम प्रिया का भाई है, जो राम है वो प्रिया का भाई है, ये यहाँ पे मैंने राम को ले लिया, राम प्रिया का भाई है, ये हो गया। नीतू के रिया नाम की पुत्री है, नीतू के रिया नाम की पुत्री, अभी नीतू का मुझे नहीं पता। अब बोल रहे हैं कि नीतू राम की बहन है, अगर नीतू राम की बहन है तो वो प्रिया की भी बहन है, सिंपल सी बात है, तो मैं नीतू को यहाँ ले लूँ चाहे मैं नीतू को यहाँ ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीतू के रिया नाम की पुत्री है। इसके बाद में रितु के, या जो नीतू है इसके रिया नाम की पुत्री है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, नीतू के रिया नाम की पुत्री है, यहाँ पे मैंने रिया को ले लिया, अगर नीतू को यहाँ लेता हूँ तो रिया को यहाँ ले सकता हूँ। फिर आपको बोला नीतू राम की बहन और नीतू की रिया नाम की पुत्री है, ये डायग्राम बन चुका मेरे पास। अब पूछ रहे कि अनुज का रिया से क्या संबंध है, तो अनुज का पूछा है किससे, रिया से, तो यहाँ पे अनुज का रिया से का बीच में आ रहा है, मैं मेरी मम्मी, मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी, और रिया मौसी की बेटी है, तो यहाँ पे अनुज का रिया से, तो यहाँ पे मौसेरा भाई मतलब कजन ब्रदर, यहाँ पे आपका जवाब होगा मौसेरा भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये जो ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टाइप था जिसमें समूह पर आधारित रक्त संबंध था, ग्रुप बेस्ड ब्लड रिलेशन था, इसमें जो भी आपको कोई कमी लगे, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर सोल्व आउट कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। आपको कैसा लगा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको कल 9 बजे मिल जाएगा, आज ये लेट इसलिए हुआ क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी, कल से आपको ये सारी की सारी चीज़ नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नोट्स के लिए आप दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।